हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज, होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आज मेरे पास हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक है और इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। मॉडिफिकेशन क्या होने वाली है, जो इसमें मल्टी कलर बल्ब हैं वो इंस्टॉल होने वाले हैं, वो लगने वाले हैं। इसकी वायरिंग कैसे करना है, इसे कैसे फिटिंग करना है, पूरी जानकारी आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगी। ये बहुत ट्रेंडिंग में ये बल्ब चल रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा लोग लगवा रहे हैं। बट ये बल्ब काफ़ी ज़्यादा, इसमें रोशनी भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो चलो इसको फिटिंग करते हैं और आप लोगों को बताते हैं इसको फिटिंग करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या खोलना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये लाइट हमको लगाने के लिए इसका जो मीटर है, मीटर खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमको मीटर में इन दोनों बल्ब को लगाना है और इसको एसी से डीसी भी करना है। ये चीज़ भी करना है, मतलब जो अभी अभी देखना आप लोग, एसी में भी मैं चला के दिखाऊंगा और डीसी में भी चला के दिखाऊंगा, दोनों चीज़ में ये बल्ब चला के दिखाऊंगा। डीसी और एसी देखना किस तरीके से चलता है। तो अभी हमने इसका वाइजर खोल दिया। वाइजर ये इंडिकेटर के चार जो वायर हैं, ये इंडिकेटर के, इसे निकाल के हम साइड में रख देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से लेते हैं क्या, 12 नंबर का पाना लेते हैं, 10-12 का पाना, देखते हैं कहाँ गया। ये रहा, तो 10 और 12 नंबर का पाना जो जिससे हमको खोलना है हेडलाइट। हेडलाइट खोलना मैं आप लोगों को पूरी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि हमको जो डीसी करना पड़ेगा, डीसी के लिए हमको इसकी इसमें एक वायर जो है, वायर को निकालना पड़ेगा, वायर लगाना पड़ेगा डीसी करने के लिए। तो वो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। मैं पहले इसकी हेडलाइट खोल लेता हूँ। 12 नंबर का एक बोल्ट ये रहा और दूसरा बोल्ट ये रहा। ये हमारे दोनों हेडलाइट के बोल्ट खुल गए, तो इसकी हेडलाइट हम बाहर निकाल लेते हैं। ये चीज़ आप लोग घर पे भी कर सकते हो, बस आप लोगों को बल्ब लेके आना है मल्टी कलर का, वो शॉप में मिल जाएगा। और उसको लाने के बाद आप लोग मेरी वीडियो देख के 100% आप लोग ठीक कर लोगे, आप लोग बल्ब जो है वो लगाना सीख जाओगे। तो अभी इसकी जो हम हेडलाइट है ओपन कर रहे हैं, ये हेडलाइट ओपन हो गई, होल्डर निकाल दिया, एक वो बल्ब और लगा होता है वो निकाल दिया। अब हमको 10 नंबर की रिंच लेना है। लेने के बाद देखो ये मीटर की जो वायर है, केबल, ये केबल को खोल लेना है। हमको मीटर बाहर निकालना पड़ेगा। मैं आप लोगों को तरीके से बताऊंगा ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए। बट आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, कुछ थोड़ी चला जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और ये वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना। यहाँ पे 10 नंबर के 3 बोल्ट होंगे नीचे, देखो मैं जैसे जैसे खोल रहा हूँ वैसे वैसे करना आप लोगों को। एक ये रहा, ये 10 नंबर का बोल्ट है, पाना फंस नहीं रहा है, चलो ये इस तरीके से खोल लेना है। तो 3 बोल्ट है मीटर में, एक ये रहा, दूसरा इसके सामने, तीसरा इस साइड में, 3 बोल्ट हैं। 10 नंबर की रिंच लेना, उसी से खुलेगा ये बोल्ट, दूसरा ये रहा, और तीसरा जो है वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। 1 2 एक ये रहा, 3, ये तीनों बोल्ट पहले खोल लेते हैं, अलग करते हैं इसे खोल के। तो अभी मैंने इसका जो बोल्ट है तीनों खोल दिया, आप लोग देख सकते हो। ये वाइसर होता है, इसमें वाइसर ध्यान से निकालना, चाबी निकाल के इसमें लगा देते हैं और इसका मीटर आराम से ऊपर की साइड में निकाल लेंगे, निकल जाता है बिल्कुल आराम से। बाकी इसमें जो है एक रबर लगी हुई चाबी स्विच में, इस वजह से ये थोड़ा जाम निकल रहा है, निकल गया। अब ये वाली जो फाइबर है इसे निकाल के अलग रख देंगे, क्योंकि इसका काम ख़त्म। अब लेते हैं इसका मीटर, ये मीटर है। अब यहाँ पे जितने स्क्रू हैं, 1 2 ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा, तो चारों स्क्रू को स्क्रू ड्रायर से खोलना है। तो अभी मैं स्क्रू ड्रायर से सारे स्क्रू को लूज कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ। अभी स्क्रू हमने खोल दिया, 4 स्क्रू हैं ये। अब मीटर का जो बैक कवर है पीछे का, ये निकाल लेना, ये निकल गया। अब इसे साइड में रखना है। अब जो हमको बल्ब इसमें लगाना है वो कौन से वाले में लगाना है, कौन से होल्डर में, तो एक ये है और एक ये है, ये दो होल्डर में हमको बल्ब लगाना है। तो इसे तो पहले खींच के निकाल लेना है, ये निकल जाता है। इसमें ओरिजिनल कंपनी के जो फिटेड बल्ब हैं वो लगे होंगे, वो हमको निकालना है, और फिर नए वाले जो मल्टी कलर वाले बल्ब लेके आए वो लगाना है। तो इनको खींच के निकाल लेना है, बाकी ये भी ब्लैक ब्लैक से पड़ गए हैं देखो ये। चलो इसे रखते हैं। अब इसमें ये दो बल्ब लगाते हैं, बस इसको रखना है और दबा देना है ये। चलो मैं एक लगा के दिखाता हूँ, फटाफट से लगा लेते हैं इसको। थोड़ा सा थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल है और एक हाथ से मैं लाइट लगा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये बैठ गया, ये देखो इस तरीके से लगा लेना है।
अब दूसरा वाला भी हमको इसमें इंस्टॉल कर देना है। ये चलो बैठ गया, ये हो गया। अब बाइक को स्टार्ट करके चेक कराता हूँ। देखो अभी हमने एसी डीसी किया नहीं है, सिर्फ ये एसी ही है, डीसी अभी तक नहीं किया है। तो पहले एसी में चालू करके बाइक देख लेते हैं ये कैसा जलता है ना। चलो चाबी को ऑन और बाइक को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी बैटरी की प्रॉब्लम है। ये देखो ये एसी में कुछ इस तरीके से जल रहे हैं। ये मतलब सही नहीं दिख रहा है। देखो ये एसी है, कम ज़्यादा लाइट हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है। तो इसे बंद करते हैं। ये एसी आप लोगों ने देख लिया, एसी से इस तरीके से जलेगा। और अब हम करते हैं डीसी। डीसी पे देखना इतना प्यारी लाइट जलेगी। अब डीसी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये मैं पूरा मीटर निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। कोई भी वायर कट नहीं करेंगे आप लोग देखना, कोई भी वायर मैं कट नहीं करूँगा, ओरिजिनल वायरिंग पे ही डीसी कर दूंगा। अब इसे हमने निकाल दिया ये स्विच को, ये कपलर जो है ये है मीटर का। अब मीटर को पूरा हम बाहर निकाल लेते हैं। ये मैंने मीटर को बाहर निकाल लिया। अब इसमें से हमको एक वायर निकालना है। अब एक वायर कौन सी, जो ब्राउन कलर की वायर होगी वही निकालना है। तो अभी मैं ये दोनों बल्ब लगे हैं और इसमें ब्राउन कलर की वायर दोनों में है। देखो एक हरी वाली जो वायर है उससे कुछ नहीं करना है, जो ब्राउन वाली वायर है ये बिस्किट कलर की ये वाली वायर, ये और ये, इन दोनों वायर आगे जाके एक हो जाती है। तो यहाँ पे देखना एक ही वायर होगी ब्राउन, तो ब्राउन वायर ये रही। ये देखो ये इस वायर को हमको निकालना, कट नहीं करना है। अब इसको निकालने के लिए हमको यहाँ से पिन को निकालना पड़ेगा, पिन साथ में आ जाएगी। तो ये है मेरे पास एक पिन और मैं इसी से इसमें जो पिन है ब्राउन वाली वो मैं निकाल दूंगा, अलग कर दूंगा। चलो ये मैंने दबाया, अब देखो ये मैं खींच लूँगा, ये निकल गई बिल्कुल प्यार से, वायरिंग कट नहीं किया बिल्कुल प्यार से। ये जो है ये मोबाइल की जो स्लॉट निकालती है सिम वाली, उसी की पिन है, उसी से निकाल रहा है वो, उससे आराम से निकल जाता है जिससे मोबाइल की सिम निकलती है। अभी हमने वायर को निकाल दिया है, कोई भी वायर कट किया नहीं है। अब इसकी वापस से हम उसी जगह से वायर को डाल देते हैं जहाँ से हमने कपलर को निकाला था, उसी जगह से नीचे कर लेते हैं। तो हमने मीटर वाली कपलर निकाली थी, उस कपलर को हम वापस से लगा देंगे। चलो इसको हम इसमें वापस से जॉइन कर देते हैं। ये चलो ये हो गई। अब ये वायर हमने निकाला था इसमें से, तो इसमें एक अलग से वायर जॉइंट करना है। चलो मैं एक वायर अलग से ले लेता हूँ, ये मैंने अलग से लिया और इसी में मैं जॉइन कर दूंगा। ये क्लिप को हम बाद में लगा सकते हैं, जो मैं एसी से डीसी कर रहा हूँ वापस से अगर हम चाहें तो एसी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कोई भी वायर कट नहीं किया है, वायर कट नहीं करना है, ऐसा ही हो जाता है। बाकी बहुत से लोग कट भी कर देते हैं, मैंने देखा काफ़ी सारी वीडियो देखी है मैंने कि वायर कट ही करते हैं। तो मैं इसमें वायर कोई भी नहीं कट कर रहा हूँ। अब जब भी चाहो तो इसे डीसी एसी वापस से कर सकते हो। टेप भी ख़त्म हो गया, चलो देखते हैं। इसमें टेप मार लेना, मेन वायर है, क्योंकि हम इसमें डीसी का करंट देने वाले हैं बैटरी का डायरेक्ट। ये हो गया, अब इसको मैंने छीला। अब इस वाली वायर को जॉइन करना है हमको ये ब्लैक वाली वायर में, ये जो ब्रेक स्विच की, जो बैक लाइट स्विच की वायर आती है फ्रंट वाली ब्रेक की, उसी में ब्लैक वायर जो है, ब्लैक वायर में इसे जॉइन करना है। तो अभी मैंने इसे ब्लैक वायर में जॉइन कर दिया। अब इसे वापस से मैं उसी जगह पे लगा दूंगा। ये हमारी हो चुकी है डीसी हो गई है। अब हम चाबी को ऑन करके पहले लाइट चेक कर लेते हैं। डीसी आप लोगों ने देख लिया कैसे किया, ये ब्राउन वाली जो वायर है हमने ब्लैक वाली में डाल दिया, ये ब्लैक, जो ब्रेक स्विच की मैंने बताया आप लोगों को, ये ब्रेक स्विच की ये वाली वायर है, तो ये वाली वायर ब्लैक है, ब्लैक में हमने जॉइन कर दिया, डीसी हो गई। इसी तरीके से डीसी कर लेना है। अब वायर देखो कट नहीं किया है, टेप भी अच्छे तरीके से मार दी है। अब चाबी को ऑन करेंगे, करते हैं ऑन। अब देखो लाइट, यार अब लाइट की बात ही अलग हो गई। एसी में तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से जल रही थी, ब्लू सिर्फ,
और जैसे डीसी किया तो इसका कलर उभर के आ गया, एक नंबर लग रही है अब। बाकी चलो, अगर आप लोगों का लाइट ना जले डीसी करने पे तो इसे घुमा के देना एक बार बल्ब को, जैसे आप लोगों ने लगाया और डीसी कर लिया नहीं चालू हो रहा बल्ब, तो बल्ब को घुमा के लगा देना। अभी मैं इसे घुमा के लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी दोनों चल रहे हैं शायद उसी तरीके से लग गया। देखो मैं इसे इस तरीके से लगाऊंगा तो ये नहीं चलेगा, ये देखो एक चल रहा है एक नहीं चल रहा है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि आपने डीसी किया और बल्ब नहीं चालू हो रहे, तो बल्ब को घुमा देना है। ये देखो चालू हो गए, चलो ये हो गया कंप्लीट। अब करना हमको मीटर को कंप्लीट, वापस से जैसे हमने सारा कुछ खोला था वापस से सारा कुछ फिटिंग कर देते हैं। खूब अच्छे तरीके से आप लोगों को मैंने समझाया। वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी इसको सारा कुछ जितना भी मैंने खोला था फिटिंग कर दें, फिटिंग करने के बाद एक बार कंप्लीट करने के बाद मीटर आप लोगों को चेक कराते हैं चालू करके। हमने इस बाइक को कंप्लीट कर दिया, सारा कुछ फिटिंग कर दिया। फिटिंग करने के बाद लाइट चेक कराता हूं आप लोगों को, चाबी को ऑन करेंगे लाइट चालू है ना, कमाल की चीज भाई। वीडियो तो पसंद आप लोगों को आई होगी 100% बोल रहा हूं। देखो थोड़ा सा नाइट में ले गया अंधेरे में, ये मोबाइल से इतनी अच्छी नहीं दिख रही जितनी फेस टू फेस देखने में लग रही है, और ये रात में तो आप लोग सोच ही सकते हो कैसे कैसे दिखेगा। बट एक बात तो है यार, एक नंबर चीज है बल्ब जो है बहुत बढ़िया है। बंद करते हैं, चाबी स्विच पे किया, जैसे ही चाबी स्विच ऑन होगी वैसे ही लाइट चालू हो जाएगी, तो काफी बढ़िया है। और कनेक्शन कैसे करना है पूरी जानकारी आप लोगों को वीडियो में मिल गई होगी। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बल्ब को फिटिंग कैसे करना है, डीसी कैसे करना है, एसी से डीसी कैसे करना है। एसी पे तो नहीं, ये चलता ही नहीं है, चलता है ब्लू कलर की लाइट बट अच्छा नहीं लगता है, लेकिन डीसी पे काफ़ी ज़्यादा उभर के आती है लाइट। चलो बिल्कुल मस्त, ये वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर जरूर शेयर कर देना, और एक कमेंट जरूर कर देना आप लोगों को ये वीडियो कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ।